वाइल्डलाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन की सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व्स काम करते हैं, नेशनल पार्क का क्या रोल है, वाइल्डलाइफ सेंचुरीज का क्या काम है। हमने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्डलाइफ सेंचुरीज के बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। मैन एंड बायोस्फीयर के एक्चुअल वर्किंग प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया कि कैसे इसमें ह्यूमन इंक्लूजन किया जाता है और नेशनल पार्क एंड वाइल्डलाइफ सेंचुरी से टोटली डिफरेंट है। कैसे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया, उसको समझने के लिए हमने इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 5th से लेके 12th जून 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोल्म में हुई, इसको डिस्कस किया। उसके बाद भारत में सितंबर अक्टूबर के महीने में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जिक्र किया। उसके बाद हमने 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जिक्र किया। इनके बीच में हमने 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट एंड 1981 में एयर प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र भी किया था, जो हमें आगे आने वाले दिनों में डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर में और नेचुरल डिजास्टर्स में डीपली पढ़ना है। एनवायरनमेंट का एक पॉल्यूशन का चैप्टर आएगा, उसमें हमें वाटर प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयर प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वहाँ डीपली पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है। अदरवाइज हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कंपैरेटिवली एनालाइज करके हमने क्लियर कर दिया था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। इसी के बेसिस पर सारी कहानी पढ़ी गई। हमने सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को लॉजिकली हर स्टेट के साथ जोड़ करके लर्न करने का काम किया। हमने देखा कौन किस तरह की टेरिटरी में बिलोंग करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ों का जिक्र हुआ, जैसे IUCN का, साइट्स का, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारी चीज़ों के जिक्र हुए हैं। आज हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए, काफ़ी सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं और इन एंडेंजर्ड एनिमल को हम इस तरह से नहीं उठा सकते हैं। आज हमारा क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का टॉपिक एंड हो रहा है लगभग 13 लेक्चर्स के बाद, आज 13 लेक्चर है। इसके बाद हम सॉइल की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे और मेरा नेक्स्ट लेक्चर सॉइल पे रहेगा, लेकिन सॉइल के एंड में रोज 10 मिनट का एक जो कंसेप्ट रहा करेगा वो एक एनिमल पे रखेंगे। तो 8-10 दिनों तक रोज एक एनिमल को उठाएंगे और उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। आज 4-5 एनिमल पर डिस्कशन कर देंगे। इन एनिमल्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनके माध्यम से आप कंजर्वेशन एक्ट भी सीख जाएंगे, क्या क्या हैबिटेट नुकसान है, क्या क्या एनिमल के एंडेंजर होने के रीज़न है, आपकी रगों में चले जाएंगे, कभी गलती नहीं करोगे। IUCN से शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन of nature and natural resources. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources के तौर पर ये एक बॉडी आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है। आपसे पूछे कि ये IUCN कब से एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसके बारे में हम कहें तो ये किसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस। ये सारे बारीक क्वेश्चन जो आपको समझना है। यूएन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गन है, 1948 से ये एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका शुरुआती नाम हुआ करता था IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जो आज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ओके, इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तौर पे भी जाना गया, WWC के तौर पे, और फाइनली आज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तौर पे जाना जाता है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास एक जगह है ग्लैंड, ग्लैंड में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा किसका, IUCN का। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड में। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्लियर। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये आ जाता है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एक NGO की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हम इसे देखें तो ये इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के तौर पर है, ये किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे टोटल मेंबरशिप अगर इसकी देखें आज की डेट में
तो ये अप्रॉक्स 1400 के अराउंड इसके मेंबर हैं। अब आप कहेंगे कि 1400 मेंबर इसके कैसे हो गए इतने ज़्यादा मेंबर, कंट्रीज तो बहुत कम है। तो इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उन गवर्नमेंट के अंदर आने वाले डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी, जैसे भारत की एक सरकार है लेकिन भारत की सरकार के अंदर डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स तो मल्टीप्लिसिटी हो गई। उसके बाद डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करने वाली एनजीओज की अगर आप बात करें, एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी इसका पार्ट है, एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी इसका पार्ट है, और अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस भी इनका पार्ट है, ये सब मिलकर के एक लूज बॉडी की तरह काम कर रहे हैं जो कि 1400 मेंबर की इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में, हेडक्वार्टर पता लग गया, काम कैसे करती हैं। इसकी एक कांग्रेस है, एक बॉडी है जो एवरी 4 ईयर पे मीट करती है, 4 ईयर्स में मीट करती है, जो एक तरह की IUCN कांग्रेस के तौर पे जानी जाती है। IUCN की कांग्रेस एवरी 4 ईयर पे मीट होती है और इस कांग्रेस के दौरान सभी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और उन डिसीजंस को फिर अप्लाई किया जाता है। जिन डिसीजंस में क्या तय होता है, ये तय होता है कि कौन सी प्लांट और कौन सी एनिमल स्पीसीज वल्नरेबल हैं, इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो गई। तो जो थ्रेट है टू द स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, तो पहली बात हमेशा याद रखना प्लांट एंड एनिमल बोथ हैं, और जो थ्रेटेड कैरेक्टर है वह तय होकर के उन स्पीसीज को डाला और निकाला जाता है उस कैटेगरी में जो एक इंटरनेशनली 4 साल पे कांग्रेस मीटिंग होती है। ओके, क्लियर। तो क्या इसके काम करने का ढंग कुछ ऐसा रहता है कि इसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो देशों की सरकारों पर लागू हो जाते हैं? देखिए, इसके द्वारा जो नियम हो जाते हैं वो अपनी आपकी कंट्री के लॉज को कभी भी सुपरसीड नहीं करेंगे। इनके बनाए गए नियम ऑलवेज गाइडलाइन के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे आपके देशों के लिए। तो गाइडलाइंस होती है एक तरह की, मतलब कि अब आप अपने देश में कानून बना करके, और या तो कानून बने हुए हैं उनके तहत इन गाइडलाइंस पे अमल करिए, काम करिए। तो ये एक तरह की एनजीओस के लिए, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए, एक्टिविस्ट ग्रुप्स एंड अदर यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला में या अलग से आने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को गाइडलाइन, पाथवे एंड रोडमैप देने का एक प्रावधान है, जिसके तहत फिर वो उस दिन से उसके अकॉर्डिंग ही उन पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल्स को कंजर्व करने का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट शामिल है। आई बात समझ में, तो उसके तहत सरकारें अपनी पे नीतियाँ बनाती हैं। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट हम कैटेगरीज का जिक्र करेंगे, उसमें सपोज कीजिए कि पर्टिकुलरली IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे बीइंग इंडिया, जैसे ही उसमें आई है, अब बीइंग इंडिया उसे अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 के क्लॉज 2 या शेड्यूल 6 में अगर प्लांट स्पीस है तो डाल देंगे। इसकी वजह से वो कम्प्लीटली आपकी कंट्री में हंटिंग से प्रोटेक्ट हो जाएगी, ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट हो जाएगी। हंटिंग में चाहे पॉइजन कर दिया या किल कर दिया या कैप्चर कर लिया या पोच कर लिया, कुछ भी है वो आ जाता है सारा कुछ, ना एनिमल ना प्लांट ना उनसे जुड़े हुए किसी आर्टिकल या उनके किसी उनको मार करके या उनकी मरी हुई अवस्था में उसे सहेज करके टैक्सीडर्मी कुछ भी नहीं कर सकते आप, ये फिर आप अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाल देंगे। तो जब भी आप कोई भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में या एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, आप कोई भी उसका लिंक ओपन करिएगा या किसी बुक मैगजीन में पढ़िएगा, तो बिगनिंग में 3 लाइनें लिखी होती है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में है, ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर है, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट अभी बताऊंगा, और तीसरा ये साइट्स की CITES की अपेंडिक्स 1 का मेंबर है, अपेंडिक्स 1 में आता है।
ये तीन चीज़ें हैं, तीनों आज क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगी। आप इनसे रिलेटेड करंट का या किसी तरह कोई टॉपिक पढ़ लें, वैसे हम टिल डेट अपडेट अप्रोच से ही करें। अब इन्होंने 9 कैटेगरीज डिसाइड कर रखी है। 9 कैटेगरीज क्या क्या हैं पहले वो समझे, फिर 9 कैटेगरीज बनाने के ग्राउंड समझेंगे। तो 9 कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एनडी, नो डाटा कैटेगरी। इसके बारे में, इन प्लांट या इन एनिमल स्पीसीज के बारे में कोई डाटा है ही नहीं, तो अब इनकी वल्नरेबिलिटी, इनकी एंडेंजर्ड और इनकी एक्सटिंक्ट नेचर का हमें पता ही नहीं लगता, इनके स्टेट का क्लियर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि डाटा ही अवेलेबल नहीं है, नो डाटा, तो एनडी कैटेगरी। ओके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी। सेकंड, डीडी कैटेगरी, यानी कि डाटा डेफिशिएंसी कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के बारे में भी डाटा काफ़ी डेफिशिएंट है, तो इसके बारे में भी प्रॉपर नियम नहीं बना पाते हैं। अब कहानी हो रही है असली। अगली कैटेगरी है LC। ये पूरी कैटेगरी ग्रीन कलर की रहेगी और इसमें L एंड C बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाया जाएगा, एकदम वाइट। मतलब ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है, इसमें मतलब है लीस्ट कंसर्न्ड। आप कोई आर्टिकल इसके बाद क्लाइमेट चेंज पे आज के बाद पढ़ लेना किसी मैगजीन का, आपको कभी तंग नहीं करेगा, सारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। ओके, आपका एक नया मार्ग खुल जाएगा आपके पास न्यूज़ चैनल में, किसी स्पेशल प्रोग्राम में आप इनसे रिलेटेड खबरें सुनोगे, सारी क्लियर हो जाएंगी। लीस्ट कंसर्न्ड के बाद ये प्योर ग्रीन था, अगला भी प्योर ग्रीन ही है, लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट वहाँ पर ये आ जाता है कि उसमें जो बीच में लेटर लिखे हैं वो उतने प्रोमिनेंटली वाइट नहीं है, वो डल होने लग गए हैं। ओके, सो NT, नॉट थ्रेटेंड। तो देखिए, LC लीस्ट कंसर्न्ड, NT नॉट थ्रेटेंड। अगला जो आपके सामने आ रहा है ये है VU, ये येलो हो गया। इसका कलर क्या होगा? तो बेटर है मैं कलर भी लिखता जाऊं। यस सर, देखो आपके लिए कुछ भी करेंगे हैं। ग्रीन लेटर्स प्रोमिनेंट, ग्रीन लेटर्स डल, वल VU येलो। अच्छा, येलो है तो VU का मतलब यहाँ पर क्या है? वल्नरेबल। अभी चीज़ वल्नरेबल हुई है, प्रोन हुई है, आप उसे बचा सकते हो। ओके, तो वल्नरेबल। आगे बढ़िया, ऑरेंज कलर आ गया जी, कलर ऑरेंज, और ये क्या है? एंडेंजर्ड, EN का मतलब क्या है? एंडेंजर्ड। आगे कलर क्या आ गया? रेड, तो CR, ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना? फ्लो पूरा क्लियर हो रहा है आपको, पहले कोई कंसर्न ही नहीं, फिर आपने कहा कि नहीं कंसर्न है बट इट इज नॉट थ्रेटेंड नाउ, फिर आपने कहा नाउ इट इज वल्नरेबल, फिर आपने कहा ना इट इज एंडेंजर्ड, मैं अभी सारा समझाऊंगा, फिर आपने कहा इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर अगला क्या आ गया? कलर अभी रेड ही जाएगा, डार्क होता जाएगा और तो इसका कलर मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऊपर लिख दिया, कलर लिखना था रेड, क्रिटिकली। उसके बाद आपका आ गया EW, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगल में खत्म हो गई है लेकिन जूलॉजिकल गार्डन्स में, कैप्टिविटी में, बोटेनिकल गार्डन्स में बच गई है, लेकिन जंगल में ओरिजिनली जो थी वो गई, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अगला ई, एक्सटिंक्ट, खत्म नहीं देख पाओगे, खत्म होगी कहानी। अब इसमें से ये जो VU EN and CR है, इसको कलेबरेटली क्या कहते हैं? थ्रेटन्ड। तो जब आप बात करते हैं IUCN की थ्रेटन्ड लिस्ट, तो उसमें फिर वो यहाँ कहीं लाए कर रहे हैं थ्रेटन्ड लिस्ट। तो थ्रेटन्ड लिस्ट कैटेगरी VU, वल्नरेबल,
threatened list category E and endangered, threatened list category C are critically endangered. पानी की तरह क्लियर, कहानी समझो. जब लीस्ट कंसर्न की बात करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट है कि इस स्पीस के बारे में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है. इसे नियर फ्यूचर किसी तरह कोई लॉस होने ही नहीं वाला है, ये पर्याप्त है, यानी कि एम्पल है. जब आप नॉट थ्रेटेंड की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि विचार करिए, ऑब्जर्वेशन में रखिए, बट नियर फ्यूचर इसके थ्रेट कोई नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला. जब आप वल्नरेबल की बात करते हैं तो वर्ड का ध्यान रखिएगा. जब आप वल्नरेबल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यदि अब इस पर वर्कआउट ना किया गया जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है तो ये नियर फ्यूचर एंडेंजर्ड हो सकती है, एंडेंजर्ड हो सकती है. जब आप एंडेंजर्ड की बात करते हैं आप कहते हैं कि अगर आपने इसको इस स्टेट में बचाने का प्रयास नहीं किया तो एक हाई डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ सकता है, एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ सकता है. जब आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि अगर अब इस लास्ट पॉइंट पे आपने वर्क नहीं किया तो फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन का स्कोप है. जब आप ई डब्ल्यू पे एक्सटिंक्ट वाइल्ड में आ जाते हैं तो आप ये कहते हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है जंगलों से, नेचुरली अकरिंग स्पीसीज ख़त्म हैं, सिर्फ कहीं कहीं जियोलॉजी बोटेनिकल गार्डन या फिर कहीं कहीं कैप्टिविटी में ये है. जब आप ई की बात कर रहे हैं एक्सटिंक्ट की तो उसमें फिर ये क्लियर है कि इसके आखिरी प्रजनन करने वाले जीव मेल फीमेल लास्ट जो रिप्रोड्यूस करने वाले थे वो उनका अंत हो गया, अब ये नहीं पाया जाता. जैसे भारत से 1947 में चीता खत्म हो गया था, चीता खत्म हो गया था 1953 में. ऐसे इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, विश्व भर में चीता भी है. अभी अभी भारत सरकार के द्वारा प्लान चलाया गया था कि मध्य प्रदेश में नामीबिया अफ्रीका से ला करके चीते रिलोकेट किए जाएं. कहाँ से? नामीबिया से ला के चीते रखे जाएं. सरकारों ने इसकी अनुमति दे दी थी, ये सारा 2012 का प्लान है, लेकिन अल्टीमेटली जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके उन्होंने कोर्ट में केस लगाया और कोर्ट के द्वारा फिर इस पर रोक लगाई गई थी कि ये रिलोकेशन अभी नहीं करोगे आप, क्योंकि प्रे अवेलेबल नहीं है लोकली, वहाँ पर शिकारी अवेलेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है. ये कहानी मैं अभी बताऊँगा. इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है. आपसे भी पूछे कि एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड आने के लिए कंडीशन क्या है, तो एक मेन कंडीशन ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर 90% पॉपुलेशन इनकी ख़त्म हो गई हो. कहीं कहीं पर ये वर्ड 80% यूज़ हुआ है, आई बात समझ में? तो ये ख़त्म होने की कगार पे. एक्सटिंक्ट में दो एक्सटिंक्ट हैं, एक एक्सटिंक्ट तो अभी मैंने आपको बताया मेन एक्सटिंक्ट, एक फंक्शनली एक्सटिंक्ट होता है. फंक्शनली एक्सटिंक्ट क्या है? फंक्शनली एक्सटिंक्ट ये है कि पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एज ज़्यादा हो गई है, फ्रेगमेंटेशन काफ़ी है मेल फीमेल के बीच में, कटाव बहुत दूर दूर हैं और या तो पोटेंसी नहीं रह गई है बॉडी में, इस वजह से अब रिप्रोडक्शन के फंक्शन डिसफंक्शन हो रखे हैं तो फर्दर फिर ये और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से एक्सटिंक्ट ही मानिए. मेल फीमेल भी हैं सब कुछ है लेकिन फंक्शन डिसफंक्शन हो रखा, फंक्शनली एक्सटिंक्ट है. ठीक है, किन कंडीशंस पे तय होता है इनको इस लिस्ट में डालना? जो थ्रेटन्ड कैटेगरी में है किस कंडीशन पे आते हैं, उन कैटेगरी उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला तो ग्राउंड यही रहेगा कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का नंबर कितना है, 1000 हैं, 2000 हैं, 10000, 20000, 50000, कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे तय कर जाएगा कि ये कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें मेल फीमेल कितने हैं, रिप्रोडक्शन का लेवल क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिग्री ऑफ द नंबर रेलेवेंट रिलेटिवली टू द रिसोर्स अवेलेबल. अब आपने कह दिया कि नंबर तो बहुत हैं, 20000 हैं, लेकिन उन 20000 के सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल हैं वही नहीं है, तो फिर उनके नंबर मायने नहीं रखाते हैं. बात समझ पे आई? उनके लिए ग्रासेस नहीं है, ट्रीज नहीं है, या चीता ला तो सकते हैं आप, उसके नंबर तो है ना अभी भी हमें, लेकिन चीता अगर आ गया मध्य प्रदेश में, प्रे कहाँ है, शिकार कहाँ है, कैसे सर्वाइव करोगे? आज प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लेकर के आए हैं तो एलिफेंट तो टाइगर की तरह एक्सटिंक्ट होने वाला है, अभी तो बहुत बड़ा है भारत में, हज़ारों की तादाद में, कोई दिक्कत नहीं. किस वजह से ख़त्म हो रहा है वो? एट्रीशन से. किसी को आप मारिए मत लेकिन ख़त्म कर दीजिए, उसकी कंडीशन इतनी डिवेस्टेट कर दीजिए, उसके हैबिटेट की, उसके फूड की, कंपटीशन उसमें इतना बढ़ा दीजिए कि वो माल न्यूट्रिशन होकर ही मर जाए.
एलिफेंट के साथ यही हो रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर के आपको डिग्री ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटिवली टू द रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखना होगा। थर्ड, डिग्री ऑफ द पॉपुलेशन इन रेलेवेंस टू द पोटेंसी देखना होता है। अब जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, मेल फीमेल ही कंसिडर कर लो कि मेल फीमेल पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन सारी की सारी पॉपुलेशन फीमेल 55 ईयर एंड अबव हैं और मेल 60 एंड 65 ईयर एंड अबव हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन की ताकत तो अब रही नहीं। तो फीमेल 55 से 80 के केडर में है, मेल 60 से 80 के केडर में, इस पॉपुलेशन का आप फिर क्या करेंगे? देखिए रिसोर्स भी था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी हाई था, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन विद रिलेशन टू द रिसोर्स भी था, बट डिग्री ऑफ पॉपुलेशन विद रिलेशन टू द पोटेंसी नहीं था, तो फिर भी सर्वाइव नहीं होगा। फिर भी सर्वाइव नहीं होगा, इस बेसिस पे भी देखा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट कारण क्या है? डिग्री ऑफ पॉपुलेशन विद रिलेशन टू द फ्रेगमेंटेशन। अब पॉपुलेशन विश्व भर में है 10,000 की, 15-20,000 की, लेकिन 20-20 के टुकड़े हुए हैं, ग्रुप पॉकेट्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है 20-20। जस्ट फ्रेगमेंटेशन लेवल बहुत हाई है। इसकी वजह से क्या होता है? देखिए एनिमल या ह्यूमन स्पीसीज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ, बदलती चीज़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए अपनी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सर्वाइव करता है, और वो जो उसके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेचुरल सेलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू चुनता है। ये सारी डार्विन की कहानियाँ हैं। नेचुरल सेलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? देखिए जब भी दो लिविंग बॉडीज़ आपस में संबंध स्थापित कर करके एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो दोनों के 50-50% जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जिसको आप DNA इंफॉर्मेशन कह लीजिए या जिसको आप क्रोमोसोम कह लें, कुछ भी कह लें, 50-50% आते हैं। अब इसके बेसिस पर जो नया ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर एक वेरिएशन इंड्यूस होती है, और इसी वेरिएशन के दम पर वो अपने पिछली जनरेशन से बेहतर सर्वाइव कर सकता है नए बदलते जलवायु में, नए टेम्परेचर, नए सराउंडिंग में वो बेटर एग्जिस्ट कर सकता है। और ये हुआ कैसे? लॉन्ग टर्म वेरिएशंस आई हैं ड्यू टू द जीन ट्रांसफ़र। और ये कैसे हो पा रहा है कि जो दिन दो लोगों में इस समय संबंध स्थापित हो रहे हैं, ये दोनों बहुत ही वेरिएबल रीजन या वेरिएबल करेक्टरिस्टिक रखते थे, पर थे सेम स्पीसीज के दोनों में। मान लीजिए एक थोड़ा सा डेजर्ट रीजन से, एक थोड़ा सा वेजिटेटिव रीजन से, एक थोड़ा सा कोल्ड रीजन से, एक थोड़ा हॉट रीजन से, और दोनों के संबंध स्थापित होने से जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कोल्ड में भी सर्वाइव करेगा, हॉट में भी सर्वाइव करेगा, तो उसमें जीन मल्टीप्लिसिटी जो हुई है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक अब आई हैं, इसकी वजह से उसमें वेरिएशंस बहुत आ गई हैं, और ये वेरिएशन ही जिम्मेदार हैं आपको सर्वाइव कराने के लिए। ये है एक तरह का एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसे एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज कहते हैं। और ये जो अभी हुआ है ये है स्पीशिएशन, इसको हम बायोलॉजी में कहते हैं स्पीशिएशन। तो स्पीशिएशन के प्रोसेस की मदद लेकर के ही जीव जंतु सर्वाइव करते हैं आने वाली जनरेशन में, और जिस जीव जंतु में बेटर कैरेक्टरिस्टिक आ गई सर्वाइवल के, अगले जीव जंतु, अगले जानवर उससे यही कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि नेचुरली सेलेक्ट कर लेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के माध्यम से आप अपने अंदर कई कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप एज कम्पेयर टू अदर सर्वाइव कर जाते हैं। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जंगल का काम। और यहीं से फिर पर्टिकुलरली वही स्पीस एवोल्यूशन कर जाती है, इससे एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज होता है। ठीक है, तो जीन वेरिएशन कितनी ज़रूरी है, स्पेशिएशन का प्रोसेस कितना ज़रूरी है, म्यूटेशन होना कितना ज़रूरी है, म्यूटेशन ऑफ द जीन ज़रूरी है ना। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या है कि एक ही न्यूक्लियस दो में बटता है, तो उसमें जो नया न्यूक्लियस है वो एक तरह का फोटोकॉपी है पिछले न्यूक्लियस का, तो नया सेल एक तरह का फोटोकॉपी है। लेकिन जो ह्यूमन बींग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनमें संबंध, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर रहता है, तो उनके माध्यम से दो नई तरह की नॉलेज आपस में इन्फ्यूज़ होंगी, उसके वेरिएबल कैरेक्टर, इसके वेरिएबल कैरेक्टर, जो तीसरा निकलेगा, बहुत रैपिड वेरिएशन आई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, बहुत रैपिड वेरिएशन आई, इससे स्पीसीएशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, इससे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है, म्यूटेशन माने परिवर्तन। ठीक है, अब आप फ्रेगमेंटेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या चीज़ बढ़ जाएगी, जितने कुनबे में हैं 15-20 जितने भी हैं वहीं पे उनको इनब्रीडिंग करना पड़ेगा, आपस में ही
संबंध बनाना पड़ेगा। सारे आपस में ही प्रभावित हैं, ठंडे इलाके में तो गर्मी झेली नहीं जाती, गर्म इलाके में तो ठंडे झेले नहीं जाते। अब जैसे माता पिता वैसा ही संतान उत्पन्न कर दी, तो जब माता पिता मरेंगे तो संतान भी साथ ही मरेगी, फिर उसमें भी तो उन वेरिएबल सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत तो आई नहीं ना, क्योंकि इनब्रीडिंग हो गई ना। तो आउट ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं हो पाती जो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ये सारे मेथड हैं जिनको देख करके ध्यान करके आप एक फॉर्मूला डिवाइस करते हैं, उस फॉर्मूला के बेसिस पर फिर आप क्या करते हैं, ये एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज को इस लेवल पे रेटिंग करते हैं कि कौन किस लेवल ऑफ थ्रेट पे चल रहा है, कौन सा लीस्ट कंसर्न है, कौन सा नॉट थ्रेटेंड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन एंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, कौन एक्सटिंक्ट है और कौन सा फंक्शनल एक्सटिंक्ट है। आई बात समझ में? ये सारी चीज अगला कंसेप्ट है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि साइंटिफिक मैनर सर्विसेज कितनी प्रोवाइड की जा रही है इनको, है ना। अब देखिए, अरे दो जीव है, नर और मादा दो हैं, पूरे यूथ हैं, सरकार सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी बहुत बेस्ट हैं, रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छे हैं, और दोनों डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों अलग अलग इम्पार्ट करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग को, लेकिन फिर भी ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि साइंटिफिक सपोर्ट उस लेवल पे नहीं रहेगा। मान लीजिए कि उनका जो एग क्रिएट हुआ, अगर कोई लिजर्ड या रेप्टाइल कैटेगरी से, तो उनका जो एग क्रिएट हुआ उसको अगर कोई प्रे ही कर गया, यानी कि कोई मंगूस स्प्रे कर गया या कोई दूसरी लिजर्ड आकर के उस अंडे को ही खा गई, तो अल्टीमेटली इस वे में भी यह स्पीसीज एंटर हो जाएगी, क्योंकि आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि नंबर जो कम हुए हैं, उस कम नंबर में युवा अवस्था तो है, रिसोर्सेज भी हैं, तो डिफरेंट रीजन से भी हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक भी देंगे, बट दे नीड साइंटिफिक सपोर्ट, अभी ज़रूरत है, वरना दोनों ने जो उत्पन्न किया वो तीसरा आगे कड़ा चकर गया तो ये फिर भी ख़त्म है। ये भी ये मैंने आपको बेहद खूबसूरती से, जो कभी ना याद करता है इंसान, कभी पढ़ता भी नहीं किसी जगह पे, और यहीं से क्वेश्चन सारे कंसेप्ट बनते हैं, और ज़िंदगी भर आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर लेना, बस यही है IUCN की रेड लिस्ट बनाने का आधार। इसके बेसिस पे क्या बना दी, 9 कैटेगरी बना दी, और 9 कैटेगरी बना करके आपके सामने परोस दी है और आप काम करते। IUCN वाइल्ड लाइफ की फील्ड में किस किस लेवल पे इम्पॉर्टेंट माना गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जो 1972 5 जून से 12 जून के बीच में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, उसे होल्ड कराने में IUCN का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। इसी वजह से उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पिछला लेक्चर सुनना जरूरी है अगर इस लेक्चर को समझ रहे हैं तो, स्टॉकहोम स्वीडन के स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही आप देखते हैं कि निकल करके आ रहा है भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो यहाँ पर अभी आपको नज़र आ जाएंगी, और वो तीन चीज़ें निकलवाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है IUCN का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ से निकल करके आ रही है उसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इसको आप क्या कहते हैं, WWF। तो आप किसी भी लेवल पर जब कोई मैगजीन पढ़ेंगे WWF पढ़ें एनवायरनमेंट में, तो ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर द फ्लोरा एंड द फौना, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड द फौना। ये फंड असिस्टेंस सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको काम करने के लिए कि किस तरह से वो इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहीं से निकल करके आता है 1975, ये सब कुछ 1972 से 75 के बीच में ही हो रहा है, ओके। और अगली बॉडी निकल करके आती है साइट्स, CITES, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑन कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो साइट्स जो आने वाले समय में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज अब IUCN ने डिक्लेयर कर दी है, तो उनके बीच में ट्रेड को भी कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, जो जितनी भी बॉडीज निकली उनमें से आपको सिर्फ इन दो पे फोकस करना है जो हमें अभी आगे पढ़ने हैं, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और दूसरा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज।
इनको समझेंगे, उसके पहले IUCN के बारे में कुछ और बातें समझ लें। IUCN के बारे में ये कहा जाता है कि इसके साथ काफ़ी तरह के क्रिटिसिज्म भी कनेक्टेड हैं। किस तरह के क्रिटिसिज्म कनेक्टेड हैं? 1990s तक इसका जो एक स्टांस रहा वो स्टांस ऑलमोस्ट प्रो एनिमल और प्रो प्लांट्स रहा, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रीजन में एग्जिस्ट करने वाले जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी, जिनमें मेनली शेड्यूल ट्राइब सेक्शन है, उसको बहुत हार्म हुआ। यानी कि ये बड़े स्तर पर इस बात का समर्थन था कि अगर वहाँ से लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्लेस भी करना पड़ जाता है इनको सेव करने के लिए, तो कोई हर्ज नहीं है। इसकी वजह से अफ्रीका के इलाकों से बड़े लेवल पर वहाँ पर पाई जाने वाली मसाई ट्राइब, मसाई एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्राइब है जिनका एक खास तरह का एनिमल होता है जेबू, और ये जेबू एनिमल को मार करके खाते नहीं, कभी भी गाय के जैसा कैटल एनिमल है, ये उसके गले से रक्त निकाल के लहू पीते हैं, जेबू का लहू पीते हैं, ठीक है। तो ये मसाई ट्राइब बहुत इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में, पहाड़ी इलाकों में इनका जेबू चरता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये मसाई ट्राइब को इन्होंने इनकी लोकेशन से रीलोकेट करने के लिए मोटिवेट कर दिया गवर्नमेंट्स को, एनजीओस को, एक्टिविस्टों को और अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी वजह से इनकी बहुत भर्सना की गई, जो ट्राइबल के राइट्स के लिए एक्टिविस्ट लड़ते हैं उन्होंने इनका क्रिटिसिज्म किया कि ये ऑलवेज प्रो वाइल्ड लाइफ बात जब करते हैं तो बहुत एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी अपना लेते हैं, उस लेवल पर ये इस तरह की समावेशी यानी कि इंक्लूसिव अप्रोच नहीं अपनाते जिसमें ट्राइब्स को भी इंक्लूड करके चला जाए, जबकि ये बात प्रमाणित है कि ट्राइब्स के समर्थन से रक्षा होती है जानवरों की, उस लेवल पे नुकसान नहीं होता अनलेस अंटिल कि आप ट्राइब्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको अनदर वे से इंक्रोच ना करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, यहाँ से इन्होंने अपना स्टांस बदला और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ ऐड करी, वो क्या है? IUCN का सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र जो आज की डेट में है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि IUCN डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहा है और वो ये कहता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके आज की जनरेशंस और आने वाली जनरेशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी का भी समर्थक है अब। और जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है तो इसका मानना ये था कि जब तक डेवलपमेंट को कंजर्वेशन से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक किसी भी चीज़ की कंजर्वेशन होगी नहीं। और इसी क्राइटेरिया को देखते हुए इसने बड़े लेवल पर 1990s ऑनवर्ड बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, बड़े मर्चेंट हाउसेस और कंपनीज अदर इन्वेस्टेड ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने शुरू किए, जिसके बेसिस पे अब ये देखा जा रहा है कि अब इसका जो सेंटीमेंट कन्वर्ट हो रहा है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी अलाउ करता चला जा रहा है, जैसे डैम्स, ब्रिजेस, माइनिंग और अदर एक्टिविटीज़, जो शायद वहाँ पर अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। सेकेंड आस्पेक्ट, ट्राइब्स और अदर मामलों में देखें तो अब ये ह्यूमन सपोर्टर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब ये डेवलपमेंट की बात करता है तो अल्टीमेटली ये वाइल्ड लाइफ से बाहर आ गया, और वाइल्ड लाइफ से बाहर आने के बाद हम यही मानेंगे कि अब ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे स्टेक होल्डर्स को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहा होगा कि इनका भी इन जंगलों के संसाधनों पर अधिकार है तो इनको एक उपभोग करने दो। तो ऐसे में जैसे ही प्रो ह्यूमन स्टांस हुआ तो अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ चला गया। ऐसे में प्रो ह्यूमन स्टांस के बारे में इनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि इन्होंने ह्यूमन के फेवर में स्टांस नहीं लिए, इन्होंने कुछ खास स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और उनके सेगमेंट के बारे में ध्यान दिया, जबकि जो मेन स्टेक होल्डर है जंगल के वासी उनको तो इनके प्रो ह्यूमन स्टांस से भी कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये बड़े पैमाने पर नर्दर्न ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो मेजोरिटी, जैसे आपने बात की कि एक तरह की NGO है और इसमें 1400 मेंबर हैं, लेकिन इनके जितने भी ऑफिशियल वर्क और अदर मेंटेनेंस वर्क करने के लिए इनके पास 1000 मेंबर का एक स्टाफ एग्जिस्ट करता है, इसलिए तो जब स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना ये हेडक्वार्टर बना करके, ये 1000 मेंबर का स्टाफ अदर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्डर है, तो इन्हें नर्दर्न ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि जिनमें वेस्ट यूरोपियन एंड अमेरिकन कैनेडियन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वही यहाँ इस पर अपना दावा रखते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की नीतियाँ बनाता है जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होता है, यानी कि उन लोगों ने जम करके अपने विकास के लिए उन प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स सबका अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन किया है और उसके बेसिस पे आज विकास है, लेकिन आज वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के नाम पर यही लोग चाहते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन में आने वाली कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिसोर्सेज के नाम पर है ही सिर्फ ये चीज़ें, क्योंकि कॉलोनाइजेशन की वजह से 1950s तक इन्हीं यूरोपियन और अमेरिकन ने इन इक्वेटोरियल कंट्रीज़ पर रूल किया, जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाई। और जब लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपके पास एक ही जरिया बचता है कि आप अपने रॉ रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही ट्रेड करके इनकम कमा सकें,
ऐसे में आप नई नई चीज़ों को IUCN की लिस्ट में डालते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाता है, लॉज बनाने पड़ जाते हैं। इसकी वजह से वो जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप्ड नेशन के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं कि आपका यह IUCN के तहत इस तरह से इन स्पीसीज को रिस्ट्रिक्ट करना कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध रहता है। तो ऑलवेज एनवायरनमेंट से या वाइल्ड लाइफ से जुड़ी कोई भी युद्ध हो गए, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच का तो एक युद्ध ऑलवेज रहेगा। आई बात समझ में? इस तरह के क्रिटिसिज्म इसके होते ही रहते हैं। दूसरे क्रिटिसिज्म भी होते हैं कि इसके पास कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, मतलब आप नियमों का इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं और जो नियम अपनाए भी गए हैं देशों के द्वारा उन्हें लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट या क्रियान्वित करने के लिए आपके पास कोई फोर्स ही नहीं है, कोई पुलिस या कोई अदर अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी इनके पास उस लेवल पर नहीं है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकेंड आस्पेक्ट ये है कि इनके बनाए हुए नियम लीगली बाउंड नहीं रहते हैं उस लेवल पर। NGO है, एक तरह की गाइडलाइन के तौर पर आपके साथ एग्जिस्ट करती है और आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्लियर आस्पेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि IUCN के बाद हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है एक और ऑर्गेनाइजेशन की जिनका नाम है CITES। क्यों? आपने एक तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं, दरवाज़ा लगा दिया है कि अब ये पर्टिकुलर प्रजाति जो जीव की है या पेड़ की है इसके अंदर प्रोटेक्टेड है, महफूज है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड है। लेकिन अल्टीमेट आस्पेक्ट ये है कि उसके एंडेंजर होने के रीज़न क्या थे? बहुत सारे रीज़न थे जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था उसकी पोचिंग, और पोचिंग का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था उसकी ल्यूक्रेटिव वैल्यू, उनकी कई सारी वैल्यूज उसमें इनहेरिटेड है जिसकी वजह से वो बड़े लेवल पे स्मगलिंग और तस्करी के तौर पे इस्तेमाल होती थी वो चीज़। तो जब तक आप उन लोगों को नहीं रोकते हैं जो इस वस्तु की, इस एनिमल या इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तब तक आप इन दीवारों और दरवाजों के बीच इसे महफूज नहीं रख सकते। इसकी वजह से IUCN के तहत प्रोटेक्शन एक स्टेप है, लेकिन इसके बाद उसका ट्रेड ना हो सके उसे रोकना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता था। इसकी वजह से अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने निकल करके आएगी जिसका नाम है CITES। आई बात समझ में? जब हम CITES की बात करते हैं तो इसका नाम आपको पता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका जो सेक्रेटरीट है उस सेक्रेटरीट को हैंडल करने का काम IUCN ही करता है, यानी कि इसके सेक्रेटरीट को IUCN ही एडमिनिस्टर करता है। और ये कहाँ बेस्ड है? ये एग्जैक्ट स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही बेस्ड है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही बेस्ड है। जैसे IUCN तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास ग्लैंड में बेस्ड है, ये जिनेवा बेस्ड है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, लगभग 183 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और इसका बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है IUCN के कंपेरिजन में, तो IUCN जहाँ एक तरफ यूनाइटेड नेशन के अंडर एक तरह की NGO बॉडी की तरफ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम कर रही है, इसी तरह से जो CITES है ये एक लेवल पे मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। मतलब ये एक अग्रीमेंट है, एक समझौता हुआ है और इसको मानना ही पड़ेगा, ये लीगली बाउंड है। ओके तो ये लीगली बाइंड है बिकॉज इट इज़ अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक अग्रीमेंट है, इसको मानो आप। हर 3 साल में इसकी मीटिंग होती है और इस 3 साल की मीटिंग के दौरान ये तय किया जाता है कि इसके जो 3 अपेंडिक्स हैं उनमें से किस अपेंडिक्स में प्लांट एंड एनिमल को इस बार रखना है, वो तय किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके तहत इसके वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने ये कहा कि इसके डिसीजन लीगली बाउंड होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के नेशनल लॉज को सुपरसीड कर जाएगा। उसका मतलब ये है कि जिस तरह से इसने जो यहाँ की इसकी 3 साल के बाद जो हुई मीटिंग है, उस मीटिंग के दौरान जो भी निर्णय पारित किया गया है CITES के मेंबर कंट्रीज के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, जो इसकी इस मल्टीलेटर अग्रीमेंट की क्या है, पार्टीज, तो दे आर पार्टीज, तो फिर इनके बीच में क्या हो जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉप। क्या होती है इनके बीच में? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी मीटिंग होती है। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं ये बाइंडिंग है, पर ये उस किसी भी देश के नेशनल लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकते, उससे ऊपर नहीं है। तो अल्टीमेटली आप उन पारित नियमों के तहत अपने ही देश में लॉ बनाएंगे और लॉ बना करके एक्शन करने का काम आप करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ये बात समझ में आई? आप अपनी कन्वीनियंस से अपनी कंट्री की सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए लॉ बनाएंगे और उन लॉ के अकॉर्डिंग आप फंक्शन करेंगे। आप साइट्स के नियम आपके देश पर सीधे सीधे आपके कानूनों को ख़त्म करके लागू नहीं होते। आई बात समझ में? ये जो साइट्स है इसके तहत आपके पास तीन अपेंडिक्स आते हैं। पहला अपेंडिक्स वन है, अपेंडिक्स वन। इस अपेंडिक्स वन में जो भी प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज रखी गई हैं, इन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को अगर ध्यान से देखें तो इनके ऊपर ट्रेड 100% बैन है। तो 100% ट्रेड बैन है, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस, यानी कि अगर रिसर्च एंड एजुकेशन के पर्पज से कोई प्लांट या एनिमल स्पीसीज की आवश्यकता पड़ गई है तो ही हो सकता है, अदरवाइज 100% ट्रेड बैन है अपेंडिक्स वन कैटेगरी में। ओके, और फिर इसे रिसर्च एंड एजुकेशन के नाम पे ही वो होता है जो नहीं होना चाहिए, वो अभी समझा देंगे। सेकंड आ जाता है अपेंडिक्स टू। अपेंडिक्स टू में वो आइटम्स आ जाती हैं जिन आइटम्स के ऊपर अगर अपेंडिक्स वन पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है तो अपेंडिक्स टू में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेगुलेशन है। यानी कि यहाँ पर आपको परमिट लेना होगा, परमिशन होगी। रेगुलेशन जहाँ भी है मतलब वहाँ पे परमिशन है, तो परमिशन आपको लेनी होगी। मतलब आप उन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज में ट्रेड तो कर सकते हैं बट विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ योर कंट्री। उनसे परमिट या लाइसेंस लेना होगा और उन लाइसेंस की शर्तों के तहत ही आप व्यापार और बाकी गतिविधियाँ कर सकते हैं। और कभी भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो। और उसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स थ्री। अपेंडिक्स थ्री के अंदर वो आइटम हैं जिन आइटम्स के विषय में कोई एक कंट्री, अब ये पूरा का पूरा साइट्स जो है, इस साइट्स की लिस्ट में आपको आइटम इंड्यूस करानी है, कोई प्लांट या कोई ट्री इंड्यूस कराना है ना, कोई भी एक नई कैटेगरी लेकर आनी है ना नोटिस में, तो उसकी एंट्री किसी ना किसी गेटवे से तो होगी। तो वो एंट्री गेटवे है मेनली अपेंडिक्स थ्री। कोई भी एक कंट्री प्रपोजल रख सकती है कि इस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को आप ऐड कर लिए साइट्स की लिस्ट में, तो अपेंडिक्स थ्री में उसका नाम प्रपोज करेगा वो। लेकिन शर्त यह है कि अदर कंट्रीज़ को मनाना होगा जरूरी, अदर कंट्रीज़ माननी चाहिए, उसकी सहमति आएगी तभी वो फिर एडमिसिबल होगी आइटम। एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरा कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है और उस कंट्री में वो प्लांट या एनिमल एग्जिस्ट कर रहा है और कोई नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज़बरदस्त ट्रेड चल रहा है या स्मगलिंग चल रही है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से उस देश में वो चीज़ एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है, तो वो ये प्रपोजल दे सकती है कि इस आइटम को भी आप साइट्स की लिस्ट में एंटर करिए और ऐसे में उसे उस दूसरी कंट्री को भी सहमत और राजी करना जरूरी, क्योंकि ट्रेड तो दो लोगों में होता है ना, एक में तो नहीं होगा। तो वो अपेंडिक्स थ्री के आइटम्स हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू, अपेंडिक्स थ्री के आइटम है। IUCN की थ्रेटेंड कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोई चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेड्यूल वन, शेड्यूल टू में कोई चीज़ है और शेड्यूल सिक्स में कोई चीज़ है, साइट्स की अपेंडिक्स वन में कोई चीज़ है, ये टोटली ट्रेड भी नहीं होंगी, हंट भी नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, देयर द सेफ। आई बात समझ में? इस तरह से साइट्स काम करता है। अब साइट्स के विषय में कहें तो साइट्स इंटरनेशनली डायरेक्टली उन एनिमल एंड प्लांट के ट्रेड को तो रोकता ही रोकता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, उनसे डिराइव्ड आर्टिकल्स को भी रोकता है। आप कोई भी क्लॉथ, कोई भी अदर प्रोडक्ट जैसे हाइड, स्किन, शूज, ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, वरना पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो आर्टिकल्स एंड द ओरिजिनल आइटम दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है। साइट्स के विषय में अगर हम देखें तो साइट्स के ऊपर किस किस तरह के क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला साइट्स के विषय में ये क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करता है कि साइट्स एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हुए लीगली बाउंड तो है, लेकिन फिर भी इसके पास भी कोई एनफोर्समेंट और एजेंसी नहीं है। ये आपकी कंट्री की लोकल पुलिस और अदर बॉडीज़ को इस्तेमाल करके ही अपने नियमों का लागू कराने का काम करती है। सेकेंड आस्पेक्ट, जो गवर्नमेंट रहती हैं उनकी विल ऑलवेज डेविएट करती रहती है। साइट्स के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत गवर्नमेंट उन नियमों को फॉलो नहीं करती है, एक लेक्सियस अप्रोच रखती है, जिसकी वजह से साइट्स के अपेंडिक्स प्रॉपरली लागू नहीं हो पाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि साइट्स की जो लिस्ट हैं
वो अपने आप में ही काउंटर प्रोडक्टिंग है, क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज़ को लिस्ट वन अपेंडिक्स वन में डाल दिया है ऑटोमेटिकली उस दिन से वो चीज़ ट्रेड में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और एकदम से उसकी ब्लैक मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस भी किसी चीज़ का ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड हो गया फिर वो एकुमुलेट करने जानी शुरू होगी, तो उसका एकुमुलेशन भी बढ़ जाएगा, फिर स्मगल के चांस भी बढ़ जाएंगे और ब्लैक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़नी बहुत शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से एक तरह से ये उन पर्टिकुलर आइटम जो अपेंडिक्स वन में डाली गई उनको और नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि उसके बाद से उसकी स्मगलिंग के, पोचिंग के और इंटरनेशनल ब्लैक ट्रेड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन के बीच में ऑलवेज एक प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई कि डेवलपिंग नेशन को ऐसा लग सकता है कि इन्हीं आइटम्स में ट्रेड होकर के मेरा रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन डेवलप्ड आइटम्स के अब तक हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किए गए टेंडेंसीज की वजह से सारे नेचुरल रिसोर्सेज में एनिमल एंड प्लांट एक्सप्लॉइट हुए हैं और अल्टीमेटली आज हमारी कंट्रीज़ में हैं। हमने तो कभी इन्हें टच भी नहीं किया था, बात बिल्कुल इतनी सी है कि आपने अपने हिस्से का केक बचा के रखा, लेकिन क्योंकि दूसरों ने बहुत खा लिया और आपको अब ये है कि केक कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए तुम्हारा केक तो बचा के ही रखो, तो आप कहते हैं कि मैंने तो बचा के रखा था खाने के लिए, तो फिर ये कैसे आपने नियम बना लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन के बीच में टसल है। इस पे भी नॉर्दर्न ऑर्गेनाइजेशन होने के टैग लगते हैं कि आप 183 मेंबर जो आपके हैं, मेजोरिटी ऑफ द जो चेयरमैनशिप की पोजीशंस है और अदर पोस्ट पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं वो सारे आपके वेस्टर्न यूरोप, कैनेडा एंड अमेरिका से आते हैं, तो फिर आप नियम भी उन्हीं के फेवर में बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इस तरह की चीज़ें हैं जिनका क्रिटिसिज्म साइट्स का किया जाता है, लेकिन साइट्स अपने लेवल पर इन एक्टिविटीज़ को कंटेन करने में कामयाब हुई। एक नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है साइट्स का, ये जो इन जितनी भी एक्जॉटिक इन्वेडिंग स्पीसीज हैं उन्हें इंड्यूस कराने में भी जिम्मेदार है नेटिव कंट्रीज़ में, यानी कि नॉट नेटिव स्पीसीज, इसको नॉट नेटिव स्पीसीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने मलेशिया से आया हुआ कोई एनिमल या कोई प्लांट इन्होंने देख लिया है वहाँ पर, एनिमल का एग्जांपल लीजिए चाइना में पकड़ा गया है, तो ये इसको चाइना में रिलीज़ कर देंगे और चाइना में रिलीज़ कर देने की वजह से अब ये वहाँ की नेटिव स्पीस तो नहीं है और इसकी वजह से अब वहाँ पर जो लोकल स्पीसीज हैं उसके ऊपर जो ये एग्जॉटिक स्पीस प्रेशर क्रिएट करेगी, पहली चीज़। और दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो इसके साथ डिजीजेज आएंगी, दूसरी चीज़, ये चीज़ें वहाँ की लोकल स्पीसीज को, नेटिव स्पीसीज को तंग कर सकती हैं। इस तरह की चीज़ों को इसके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, नेटिव स्पीसीज के अगेंस्ट नॉट नेटिव स्पीसीज जो कॉन्फिस्केट हो जाती हैं इस ट्रेड, इलीगल ट्रेड के दायरे में, उनको ये वहीं रिलीज़ कर देने का काम कर देते हैं, ये गलत है। ओके, इस तरह से साइट्स काम करता रहा है। साइट्स के बनने की शुरुआत का कारण ये रहा था कि 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर जो था IUCN के ही एम्बिट में एक मल्टीलेटरल मीटिंग होल्ड की गई थी और उसी मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था कि आपको आने वाले दिनों में एक बॉडी बनानी है जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसको कंजर्व सही तरीके से चलाने के लिए उस पर कन्वेंशन लानी पड़ेगी। और इसी नियम को देखते हुए फिर 1973 में रेटिफिकेशन हो गया था सारा का सारा और 1975 में साइट्स जो है ये प्रभावी हो गई थी और ये सारा काम 3 मार्च को हुआ था, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहा जाता है। तो 3 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सारे अपेंडिक्स क्लियर हैं, साइट्स की फॉर्मेशन की हिस्ट्री क्लियर है, IUCN के इसके साथ संबंध क्लियर है। साइट्स के बारे में नेगेटिव चीज़ ये कही जाती है कि साइट्स से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की बात करती है, ट्रेड का को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करती है एंडेंजर स्पीसीज में सिर्फ एनिमल एंड प्लांट, जबकि साइट्स कभी भी जब आप ट्रेड की बात कर रहे हैं और अगर आप एंडेंजर स्पीसीज को बचाना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले लोकल हैबिटेट कंडीशन को भी कंजर्व करने की आप बात करें। लेकिन लोकल हैबिटेट कंडीशन जैसे कि वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जैसे भी वहाँ का जो सरफेस स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों के विषय में ये बात नहीं करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसकी नेगेटिव मानी जाती है कि इसका दायरा नैरो है, नैरो इसकी जो एरिया ऑफ जरिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। आई बात समझ में, इन सारी चीज़ों पे कभी भी आपको फंसना नहीं है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन हमने इम्पॉर्टेंट समझ ली। इसी के तहत अगर हम इंडेंजर्ड और अदर कंसेप्ट के बारे में बात करें तो भारत में फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट आ जाता है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से ही अब मैं आपको सब कुछ आगे समझा दूंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करते हैं जो अब इन्हीं से संबंधित है, इसकी वजह से फिर कोई दिक्कत भी आगे नहीं आएगी। अब हम जिक्र करेंगे
प्रोजेक्टेड टाइगर का, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के कंसेप्ट में हम आपको भारत में डिफरेंट एरियाज में पाए जाने एनिमल्स भी क्लियर कर देंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल के माध्यम से। तो एक बहुत ही कनेक्टिव अप्रोच के साथ आप सभी रीजन के एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हिमालयन स्नो लाइन एनिमल भी करा दूंगा, डेजर्ट रेप्टाइल्स, कोस्टल ब्रैकिश वाटर क्रोकोडाइल्स एंड द डॉल्फिन्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए भारत में वाइल्ड एनिमल की जो पॉपुलेशन है काफ़ी हुआ करती थी, जिसमें एनिमल में अगर टाइगर की बात करें तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी 20,000 से 40,000 इनकी पॉपुलेशन पाई जाती थी। लेकिन उसके बाद ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बड़ी तेज़ी से एग्रीकल्चर का प्रसार हुआ, जिसमें आपने प्लांटेशन क्रॉप्स लगाई और अदर सीरियल क्रॉप्स लगाई, आपने सिविलाइजेशन को प्रमोट करने का प्रयास उस लेवल पे किया जो आपके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इज अ काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसे में आपने डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल को प्रमोट किया, क्योंकि जंगल नुकसान, जंगली जानवर नुकसान पहुँचा देते थे खेतों को। आपने कई सारे इंसेंटिव्स, कई सारी मोटिवेशनल अप्रोचेस अपना करके वाइल्ड लाइफ हंटिंग को प्रमोट किया, अपने डोमेस्टिक एनिमल के कंपैरिजन भी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने का प्रयास किया, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहते थे उन रिसोर्सेज में जो वाइल्ड लाइफ है वो कंपटीशन देती थी डोमेस्टिक एनिमल को, और आप ये चाहते थे कि जो फॉरेज, फॉर्डर और अदर मटेरियल अवेलेबल है वो डोमेस्टिक एनिमल को मिले, वाइल्ड लाइफ उसका हिस्सा ना खा जाए, इसके लिए आपने मरवाने शुरू किए। ऐसे में टाइगर सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल था, जो सिंबल ऑफ द पावर भी था, इसको मारने के पीछे एक स्टेटस सिंबल भी छुपा हुआ था, तो राजे महाराजे इन सब के थ्रू हंटिंग करवा के आपने इसको मरवाया। 1972 में जब सेंसस कंडक्ट किया गया पहली बार, तो ये पाया गया कि मात्र 1800 टाइगर ही रह गए, 1800 टाइगर। ये बहुत बड़ा धक्का पहुंचाने वाला डाटा था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फिर आ गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपके देश में स्थापित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली में है क्या, किस तरह से ये काम करता है? अगर सबसे पहले प्रोजेक्ट, सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो आज का झारखंड और किसी ज़माने का बिहार उस समय में पालामाऊ पालामाऊ टाइगर रिजर्व से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की, पहला है ये, ओके 1973 में ही बना है ये पालामाऊ टाइगर रिजर्व। इसके बाद आज की डेट में आप देखेंगे तो टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। आपने रिवर्स और अदर फिजियोग्राफी का टॉपिक अच्छे से किया है तो आपको रिवर, माउंटेन, प्लेच्यूज के नेम से ही टाइगर रिजर्व का नेम उस स्टेट से जुड़ा हुआ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में आने वाला नागपुर इंडिया की टाइगर कैपिटल है, तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो उस पर्टिकुलर रीजन में आपको बहुत सारी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र की टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोइंसाइड करती नज़र आएंगी, बहुत सारी। इसकी वजह से नागपुर का रीजन जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हब, इट इज़ अ काइंड ऑफ टाइगर कैपिटल ऑफ द इंडिया, ओके। अगर आप भारत में टाइगर की बात करें तो मेनली ये है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। कहाँ पर टाइगर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? टाइगर मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके हिमालय रीजन के फुटहिल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टाइगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के रीजन में बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टाइगर उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में बहुत अल्टीमेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और टाइगर साउथ में केरला, कर्नाटका के रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो केरला बहुत हाई लेवल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर की रखता है, उत्तराखंड बहुत बड़े पैमाने पर टाइगर्स रखता है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग है, तो ये टाइगर की पॉपुलेशन है। आई बात समझ में? टाइगर के विषय में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे कैसे काम हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कीम, सो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इस स्कीम के तहत आपको क्या करना है, इस स्कीम के तहत आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और असिस्टेंस किस फील्ड में प्रोवाइड होगी? साइंटिफिक, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, सारी असिस्टेंस आप प्रोवाइड करेंगे इनको, स्टेट्स को,
साइंटिफिक है, टेक्निकल है एंड फाइनेंशियल है। ये सारी असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो फिर आपसे पूछे कि टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करने की कोई भी एक एरिया है उसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, इस नोटिफिकेशन की ताकत किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो नोटिफिकेशन पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ये डिसीजन अकेले ले सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को किसी की कॉन्करेंस की नीड है या किसी के साथ कंसल्टेंसी करनी है? यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं जिक्र करूंगा जिसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी करनी है, कॉन्करेंस भी रीच करना है और उनके साथ चर्चा होकर के ही स्टेट गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है अगर वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो ही वो पर्टिकुलर एरिया टाइगर रिजर्व नोटिफाई होगा, अदरवाइज वो टाइगर रिजर्व नोटिफाई नहीं होगा। और उस बॉडी का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको अथॉरिटी के बारे में समझते हैं। जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, मैंने बताया था उसके पहले ही एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आ चुका था 1952 में, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को एक स्टैचुटरी दर्जा दे दिया गया था, उसे एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड बना दिया गया था, लीगलाइज कर दिया गया था। ये नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW, इसके द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई थी 1972 के एक्ट के तहत ही कि प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के हमें एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जिसके पास एक लीगल बैकिंग हो जो सेंटर और स्टेट के बीच में सिस्टम को फैसिलिटेट करा सके। और उसके तहत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आई जिसका नाम था टाइगर टास्क फोर्स, यानी कि TTF। ये टाइगर टास्क फोर्स एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। टाइगर टास्क फोर्स अपना काम करती रही, लेकिन ये बॉडी जो बनाई गई थी ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की सजेशन पर बनाई गई है, लेकिन इसके पास भी उतनी रिकॉग्निशन और उतनी पावर सभी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये नियम मनवाए जा सके। स्टेट गवर्नमेंट अभी भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसकी वजह से 2005 में ये डिसाइड किया गया कि हमारे पास एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर 2006 में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया, और उस 2006 की अमेंडमेंट से 2005 में प्रपोज्ड ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को आपने कानून का दर्जा दे दिया, और 2006 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में की गई अमेंडमेंट से ही आपको एक नई स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म दिखता है, वो है NTCA। तो NTCA को स्टैचुटरी स्टेटस देने के लिए वैधानिक दर्जा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड करने के लिए ही आपने 2006 अमेंडमेंट की, और ये अमेंडमेंट किस में की गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इसके तहत अब आज की डेट में NTCA आपके सामने कैसे खड़ी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत बड़ी बात है। अगर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके सामने ना केंद्र ना राज्य, उसे कोई भय नहीं है क्योंकि उसका टेन्योर सिक्योर है, उसके सैलरी एंड पर्क्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी स्टैट्यूटरी हो जाती है वैधानिक, तो फिर केंद्र या राज्य सरकार उसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती, उसे खत्म करने के लिए भी फिर आपको संविधान के माध्यम से ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैट्यूटरी पोजीशन गेन कर गई है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे उनको एक इंडिपेंडेंस मिलती है, उन्हें किसी के भय के माहौल में काम करने की आवश्यकता नहीं। इससे राज्य और केंद्र की ताकत फिर उतनी नहीं रह जाएगी इसके सामने, ये बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए फिर इसका पूरा ध्यान टाइगर की कंजर्वेशन में ही लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसे डरा धमका या केंद्र सरकार भी इससे अपनी मनमानियाँ नहीं करा सकती। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंडर आ जाती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। आई बात समझ में? तो अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 से कैसे काम कर रही है, अब समझने का काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो भारत में शेरों की जितनी भी जनगणना है, सेंसस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर को कंजर्व करने को लेकर के। और जनगणना करने के तीन मेथड यूटिलाइज होते थे, जिसमें सबसे हिस्टोरिकल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो यूटिलाइज होता है, इसका मेथड का नाम है पगमार्क।
पग मार्क सेंसस मेथड। पग मार्क सेंसस मेथड मतलब कि आप जो शेर हैं।